कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उद्धव ठाकरे। पहली बार ठाकरे परिवार के हाथों में होगी राज्य की कमान। मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में होगा शपथ ग्रहण समारोह के लिए जोरदार तैयारियां। लगता है हम पे जिम्मेदारी बढ़ गई है, लोगों की सेवा करने की और एक मौका है और यही मौके को हम आगे लेके जाएंगे। कल शाम करीब 6:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। तीनों पार्टियों के 5-5 मंत्रियों के शपथ लेने के कयास। उद्धव के साथ 2 डिप्टी सीएम ले सकते हैं शपथ। कांग्रेस और एनसीपी कोटे से हो सकता है 1-1 उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल और विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। मंत्रिमंडल पर मंथन में उद्धव ठाकरे और शरद पवार मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल ने संभाली कमान। उद्धव के शपथ ग्रहण के दौरान दिख सकता है विपक्ष का दम। राहुल और सोनिया गांधी को भी भेजा गया है न्योता। डिटेल बात करनी है, बाकी चीजें फाइनल करनी है। कॉमन प्रोग्राम है, बाकी चीजें हैं, प्रीएम्बल है, वो सारी चीजें फाइनल करनी है, वो कर लेंगे हम लोग। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल समेत 100 से अधिक वीवीआईपी को शपथ ग्रहण का न्योता। सुरक्षा की पुख्ता तैयारी। शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटा सरकारी अमला। शिवाजी पार्क में अफसरों का जमावड़ा। मातोश्री जाकर उद्धव से मिले मुख्य सचिव और डीजीपी। आज बुलाया गया महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सत्र। प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को दिलाई शपथ। महाराष्ट्र विधानसभा में सुप्रिया सुले ने विधायकों का स्वागत किया। भाई अजीत पवार को गले लगाकर अगवानी की। विधानसभा पहुंचे फडणवीस का भी सुप्रिया सुले ने किया स्वागत, हाथ जोड़कर अभिवादन। अजीत पवार ने एनसीपी के रिश्तों को लेकर दी सफाई, कहा साथ था और हमेशा रहूंगा, पार्टी का हर फैसला मंजूर। राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी अरे बंड नव्हतंच ना, मी राष्ट्रवादीचा नेता होतो ना। राष्ट्रवादीने माझी अकालपट्टी केली का? राष्ट्रवादीने माझी अकालपट्टी केली का? आपण कुठं वाचलं का? मी राष्ट्रवादी। बदले बदले नजर आए अजित पवार। एनसीपी विधायकों की बैठक में रहे मौजूद। शिवसेना ने दिए बड़ी जिम्मेदारी के संकेत। पवार की भी ठीक भूमिका रही, वो भी हमारे हैं। आपने देखा होगा कितना बड़ा काम करके आए हैं अजित पवार। राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने से मिले उद्धव ठाकरे। सरकार बनाने का न्योता मिलने पर औपचारिक मुलाकात। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जश्न में डूबी शिवसेना। संसद परिसर में शिवसेना सांसदों ने बांटी मिठाइयां। लोकसभा से एसपीजी संशोधन बिल पारित। सिर्फ प्रधानमंत्री की हिफाजत करेगा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। पूर्व प्रधानमंत्रियों को सिर्फ 5 साल तक मिलेगी एसपीजी सुरक्षा। कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाए। एसपीजी संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान संसद में बवाल। कांग्रेस ने गृहमंत्री अमित शाह से पूछे सवाल। अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर निशाना साधा, कहा सदन में दिया गांधी परिवार के एसपीजी इस्तेमाल नहीं करने का हवाला। प्रोटेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य जो उनके साथ अधिकृत प्रधानमंत्री निवास पर रहते हैं उनके लिए ही उपलब्ध। तिहाड़ जेल जाकर पी चिदम्बरम से मिले राहुल और प्रियंका गांधी। आईएनएक्स मामले में 99 दिनों सलाखों के पीछे है पूर्व वित्त मंत्री। सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई। लोअर कोर्ट ने 11 दिसंबर तक बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। दिसंबर के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। राम मंदिर पर रिव्यू पिटीशन की तैयारी। झारखंड के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, कहा पिछले 5 साल में पूरे किए 90% काम। दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों पर जोरदार सियासत। केंद्र से केजरीवाल की मांग, कहा चुनाव से पहले हर शख्स को रजिस्ट्री देकर दिखाओ। अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री का संसद में बड़ा बयान। देश में नहीं है मंदी जैसे हालात, विपक्ष का आरोप निराधार। ग्रोथ में हैव कम डाउन बट इट्स नॉट अ रिसेशन येट और इट वोंट बी अ रिसेशन एवर। प्याज की कीमतों ने देश भर को रुलाया। आरजेडी नेता ने प्याज की माला पहनकर बिहार विधानसभा में प्रदर्शन किया। वाराणसी में आसमान पर पहुंचे प्याज के दाम। खुदरा बाजार में 70 से 80 रुपए प्रति किलो का भाव। कोलकाता के बाजार में 100 रुपए किलो पहुंचा प्याज। महंगाई की मार से आम लोग बेहाल। नागपुर में भी प्याज की कीमतों में लगी आग। 80 रुपए किलो तक पहुंचे दाम।
अहमदाबाद की मंडियों में प्याज की कीमतों में उछाल, कारोबारियों ने कहा एक महीने तक ऐसे ही रहेंगे हालात। दिल्ली में जेएनयू छात्रों के विरोध प्रदर्शन का विरोध, वामपंथ के खिलाफ खूब नारेबाजी। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने दिल्ली में कोनॉट प्लेस तक किया प्रोटेस्ट मार्च। शिकायतें मिलने के बाद वेंडर जोन के आवंटन में नोएडा अथॉरिटी की दखल, सीईओ के आदेश के बाद अब आरडब्ल्यूए की सहमति भी होगी जरूरी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद आतंकी वारदातों में 3 सुरक्षाकर्मी, 17 नागरिकों की मौत, संसद में सरकार ने जानकारी दी। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, बालाकोट में फिर चालू किया आतंकी शिविर, सरकार ने संसद को जानकारी दी। दिल्ली सटे बहादुरगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स की गुंडागर्दी, हड़ताल के नाम पर ड्राइवरों के साथ मारपीट। राजस्थान के धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से बस की टक्कर, 3 यात्रियों की मौत, 11 घायल। पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में वधावन परिवार के खिलाफ कोर्ट का बड़ा आदेश, यॉट और 2 जेट बेचने के आदेश। छत्तीसगढ़ के बालोद में रिश्तों का कत्ल, बेटे ने मोबाइल फोन के लिए पिता को जान से मारा। झारखंड के कोडरमा में दिल दहलाने वाली वारदात, एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की। तमिलनाडु के तिरुनेल वेली में परिवार के खिलाफ शादी करने पर लड़की के घर वालों ने युवक का काटा सर, आरोपी फरार। दिल्ली के यमुना विहार में स्कूली लड़कियों के बीच जमकर चले लात घूंसे, छोटी बात पर बढ़ा विवाद। मुरादाबाद में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी, 732 पेटी अवैध शराब बरामद। महाराष्ट्र के बुलढाणा में अचानक भरभरा कर गिरी इमारत, बाल बाल बचे, पास खड़े बच्चे। शिवपुरी में शराब के नशे में सिपाही का बवाल, प्राइवेट अस्पताल में उत्पात मचाया, एसपी ने किया सस्पेंड। हिमाचल के बिलासपुर में पहुंचे अमिताभ बच्चन, शूटिंग के लिए रवाना हुए लाहौल स्पीति। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से शिखर धवन बाहर, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान लगी थी घुटने में चोट, संजू सैमसन को मिलेगा मौका। भारत के विकेटकीपर रिद्धिमान साहा की उंगली की सर्जरी, डे नाइट टेस्ट के दौरान लगी थी चोट, ठीक होने में लगेंगे 4-5 हफ्ते। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब पहला T20 मुंबई के बजाय हैदराबाद में खेला जाएगा, सीरीज का तीसरा T20 मुंबई में होगा। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन की नई पारी, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत का गवर्नर बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर फिल ह्यूज की आज 5वीं बरसी, स्टीव स्मिथ समेत कई साथी खिलाड़ियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। अंतरिक्ष में इसरो की एक और लंबी छलांग, श्रीहरिकोटा से सैन्य उपग्रह कार्टोसैट 3 का सफल प्रक्षेपण। कार्टोसैट को बताया जा रहा है अंतरिक्ष में भारत की तीसरी आंख, पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर रखी जा सकती है नजर। कार्टोसैट 3 से 13 अमेरिकी सैटेलाइट भी सफलतापूर्वक लॉन्च, शक्तिशाली कैमरों से लैस हैं अमेरिकी सैटेलाइट। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात से बदला मौसम का मिजाज, प्रदूषण से भी मिली थोड़ी राहत, लेकिन तापमान घटने से ठंड की दस्तक। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी, बद्रीनाथ में बिछी 2 फीट बर्फ की मोटी चादर। स्कीइंग रिजॉर्ट औली में भी जमी 4 इंच बर्फ, लुत्फ उठाने के लिए उमड़ी सैलानियों की भीड़। केदारनाथ में 2 दिनों से भारी बर्फबारी, पुनर्निर्माण का कामकाज ठप। हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी, किन्नौर में बर्फ से ढकी छतें, प्रशासन ने दिए स्कूल बंद करने के आदेश। हिमाचल के नरकांडा में भारी बर्फबारी, सड़कों से लेकर घरों तक फैली बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, शीतलहर की चपेट में पूरा इलाका। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की अंबाला को पॉलिथीन मुक्त बनाने की कवायद, 30 नवंबर से डोर टू डोर जागरूकता अभियान। 15 पैसे की मजबूती के साथ 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत हुई ₹71.35। 199 अंकों की बढ़त के साथ 41,020 के अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, 63 अंक बढ़कर 12,100 पर बंद। ₹35 की गिरावट के साथ 38,503 प्रति 10 ग्राम हुआ सोना, चांदी ₹147 बढ़कर ₹45,345 प्रति किलो। मुद्रा लोन में एनपीए के मामले बढ़ने का आरबीआई ने किया खुलासा, डिप्टी गवर्नर एमके जैन ने चिंता जताई। कार्वी ब्रोकरेज पर ग्राहकों के शेयर गिरवी रखकर 600 करोड़ जुटाने का आरोप, ईवाई करेगी फोरेंसिक ऑडिट।
2019 में हर दूसरे व्यक्ति को देनी पड़ी रिश्वत, 20 राज्यों के 248 जिलों में सर्वे के बाद दावा। अब पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, सरकार ने बदले नियम, सरकारी कंपनियों का घटेगा दबदबा। रॉयल एनफील्ड लाएगी इलेक्ट्रिक बाइक, अगले साल तक पेश हो सकता है कॉन्सेप्ट मॉडल। हवाई यात्रियों के लिए विस्तार, SBI कार्ड लेकर आए क्रेडिट कार्ड, फ्री कैंसिलेशन और ट्रैवल इंश्योरेंस समेत कई फायदे। एक छात्र ने बनाई घर के कूड़े से खाद बनाने की मशीन, ह्यूंडई ने 15 लाख देकर हौसला बढ़ाया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से BSNL ने की एयरटेल की शिकायत, कनेक्शन काटने की धमकी देने का आरोप लगाया। रिलायंस ने बंद किया जियो फाइबर का प्रीव्यू ऑफर, अब सभी के पास केवल पेड प्लान चुनने का विकल्प। टेस्ला के साइबर ट्रक को मिले 2.5 लाख ऑर्डर, कंपनी के मुखिया एलन मस्क ने ट्वीट करके जानकारी दी। देशद्रोह के मामले में परवेज मुशर्रफ को बड़ी राहत, स्पेशल कोर्ट के फैसला सुनाने पर फिलहाल रोक लगी। मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर अमेरिका ने चीन पर कड़ी नाराजगी जताई, कहा लीक हुए दस्तावेज से मिल रहे हैं सबूत। अमेरिकी अदालत ने एक चीनी महिला को सुनाई 8 महीने की जेल की सजा, ट्रंप के निजी रिजॉर्ट में अवैध रूप से घुसी थी कारोबारी महिला। गाजा पट्टी में हमास विद्रोहियों पर इजरायल ने फिर की बमबारी, जवाबी कार्रवाई में इजरायली सीमा में दागे गए रॉकेट। फ्लोरिडा के अपने निजी रिजॉर्ट में थैंक्सगिविंग डे मनाएंगे ट्रंप, क्रिसमस से पहले अमेरिका में होता है भव्य आयोजन। माल्टा में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन, लोगों ने वहां के पीएम पर अंडे फेंके। इराक में पिछले 1 महीने से जारी विरोध प्रदर्शन की वजह से जंग जैसे हालात, अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत। जॉर्जिया में संसदीय चुनाव की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने किया संसद का घेराव। अफ्रीकी देश माली में 2 हेलीकॉप्टरों के बीच जोरदार टक्कर, 13 फ्रांसीसी सैनिकों की मौत। न्यूयॉर्क ने ई सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी लगाई, लोगों ने नाराजगी जताई। अमेरिका के कोलोराडो में बर्फ के तूफान ने मचाई तबाही, हवाई और सड़क यातायात पूरी तरह ठप। कांगो में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार, अब तक 39 लोगों की मौत की खबर। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में अनूठा रेस्टोरेंट, डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त हैं अधिकतर कर्मचारी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।